नदीम मलिक साहब, मैं अगर आपकी तरफ वापस आऊं, ये जो भी वर्चुअल हम उसकी रियलिटी की बात करते हैं, दलित साहब ने कहा आपको मायूसी की बात नहीं, आप समझते हैं कि शायद लोगों में अंडरस्टैंडिंग, सियासी शऊर पैदा हो रहा है, वो चाहते हैं कि हम चीजों को बदलें, हमारे हिसाब से लोग आएं, हमारे लिए पॉलिसीज बने, कानून साजी हो, हमारे मुंतखब नुमाइंदे जाएं। ये तासुर था जो गुज़श्ता एक डेढ़ महीने से, जब से हम इलेक्शन प्रोसेस के अंदर थे, कि ज्यादा टर्नआउट होगा तो उसका फायदा पीटीआई को होगा अगर टर्नआउट ज्यादा होता है। अब हम जहाँ गुफ्तगू करें कि अच्छा टर्नआउट है, अगर 40-45-48 पे आप कहीं आते हैं तो फिर फायदा नहीं होगा, इसका मतलब है ये नजर आ रहा है कि वो जो जमात बहुत दावे करती थी कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है और बहुत कुछ होगा, कहीं नहीं है कुछ। जब पीटीआई की अपनी सियासत में कुछ उतार चढ़ाव है, एक तो जो 18 इयर्स वाली वोटिंग एज थी उससे ये था बहुत ज्यादा कि ये लार्जली पीटीआई को वोट करेंगे। फिर पीटीआई अपनी दौरे हुकूमत में उसका ग्राफ बहुत नीचे गिर गया। फिर लास्ट वन ईयर में जब उसने एंटी एस्टेब्लिशमेंट और वो एंटी यूएस वाली कैंपेन की तो फिर एकदम ऊपर वो गए, और फिर सोशल मीडिया कैंपेन से उन्होंने ये होप खुद से जनरेट की कि इमरान के कहने के ऊपर सारे लोग निकलेंगे। मैं आपको बार बार कहता था कि उनकी ग्राउंड पर तंजीम नहीं है, ये एक फ्लॉ है। तंजीम के बगैर आप लोगों को 4-5 लाख बंदा वोटिंग डे के ऊपर आप मोबिलाइज करके पोलिंग स्टेशन पे नहीं ले जा सकते, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। उनकी तंजीम ग्राउंड पे नहीं थी, कुछ उठा लिए गए थे, कुछ भाग गए थे, कुछ डर के घर में बैठ गए थे, और कुछ का मोटिवेशन लेवल नहीं था, और ये सारी चीज़ें आज इकट्ठी हुई हैं इलेक्शन डे के ऊपर। एक और चीज़ जो हुई है जो कॉन्शियसली मुझे लगता है की गई है, वो फर्स्ट हाफ में वोटिंग पैटर्न को स्लो डाउन किया गया, खुद से स्लो नहीं हुआ, स्लो डाउन किया गया। नहीं हो सकता वोटर ही ना गए हो। इट वर्क्स वेरी वेल, जहाँ पे अंदर 70 बंदा हो और आप उसको एक घंटे के अंदर 10 या 15 वोट भुगता के बाहर भिजवाए ना, तो वहाँ पे वो पैटर्न स्लो डाउन हो जाता है, और उसमें आप मार्क कर लेते हैं किन एरियाज में स्लो डाउन करना है और कहाँ आपने स्मूथली चलने देना है। मेरे ख्याल में सर्टेन एरियाज के अंदर इसको स्लो डाउन किया गया, मेरी रीडिंग है, हो सकता है सारे इसे इत्तेफाक ना करें, बहुत सी चीजें आएंगी भी, लेकिन ठीक है आप जो विटनेस कर रहे हैं, आपके पास रिपोर्ट सारी वो ये बता रहे हैं। और पीटीआई के लिए जो हाई होप्स थी उसकी कि सिर्फ इमरान की अपील के ऊपर पूरी कौम निकलेगी, 12 करोड़ 85 लाख में से कम अज कम 6 करोड़ 85 लाख तो करोड़ 7.5 करोड़ इतने तो वो नहीं होना था, उसके लिए तंजीम चाहिए थी, तंजीम के बगैर नहीं होते। मतलब इस हिसाब से तो हम कहें कि 6 करोड़ या 5 करोड़ से तो पीछे वोट डालेगा अगर हम जहां खड़े हैं। कुछ तो उनके कैंडिडेट्स वो हैं जैसे वो छुप के बैठे हुए थे कि बाहर निकले तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उनके सेकंड थर्ड टीयर को पहले किसी ने पकड़ लिया होगा या उसके किसी भतीजे भांजे को पकड़ा होगा, किसी के ऊपर 9 मई वाला केस चल रहा है, तो वो एक्टिवली ग्राउंड पे आएंगे नहीं। बाजों ने पहले से ही इलेक्शन डे से पहले ही किसी ने पीपल्स पार्टी से खुफिया जप्पी डाली हुई है, किसी ने नवाज शरीफ से जप्पी डाली हुई है, तो नतीजा जो भी आएगा, ना आपने ये खुफिया बातें कर दी पीटीआई के साथ। बड़े कमाल की बात है कि हम यूथ को पीटीआई के साथ मिला रहे हैं।